से उधार दला ऐसा जो एरिया था, स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था, शिक्षा की तो बात दूर रही, कोई बेटा बेटी पढ़ाता भी नहीं था, समझे ना। तो अब हुआ भाई पढ़ने की जिज्ञासा सबको हुई। तो एक आदमी 1950 में एक आदमी मैट्रिक पास हो गया। उसके बाद धीरे 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 लोगों ने पढ़े, सब लोग पढ़ा। उसके बाद यूनिवर्सिटी था पटना यूनिवर्सिटी, आप लोग के साथ ही तकलीफ होगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का 1952 तक था पटना यूनिवर्सिटी, 53 से हो गया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, 53 से चला। पर अपना बड़ा धीरे धीरे बढ़ते गए, एक स्कूल नहीं था, अंग्रेजी की बात छोड़िए, हिंदी पढ़ने वाला कोई नहीं था, पैसा भी नहीं था। अब वो ताजुब की बात है, सब लोग किसान थे, पैसा कहाँ से आया किसी के पास। तो जब मैं चौथा में गया, हाई स्कूल में नाम लिखाया, तो मेरे बाबूजी एक पैसा देते थे, किसान एक पैसा, जस्ट लेकिन एक पैसा। वो भी कहते थे कि एक पैसा में बेटा चार दिन खाना, इतनी कष्ट की बात है, एक पैसा में हम चार दिन कैसे खाएंगे, सोचने की बात है। तो एक पैसे में चार धोखला होता था, उसको धोखला करते थे, और एक पैसे में दो अधेला होता था, दो अधेला उसको। तो एक धोखला का कभी चाट खा लिया, कभी फुलचा खा लिया, कभी दही वड़ा खा लिया, तो चार दिन एक पैसे में कट गया। तो धीरे धीरे पढ़ाई करता गया, स्कूल अंग्रेजी शिक्षक से हुए, जहाँ आज हम लोग बैठे हैं। ये बहुत खुशहाल बात है कि हम लोग के गांव में इतना बड़ा स्कूल चल रहा है। अभी तो सब रिपेयर वगैरह चलती सब एक लाइन से ही है, बहुत सौ स्कूल कम से कम पाँचों टोला मिला के हुआ बर्तन वगैरह का, जो आगे आगे तरक्की किया बनते गए। सब आदमी को जिज्ञासा ही हुआ कि मैं अपने बच्चे को बेटा बेटी को पढ़ाऊँ, और भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि सब लोग का अभी झुकाव बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए। तो मैंने बचपन अल्फाज की कहानी बताया, आप तो सारी बिल्डिंग देखते हैं, नगर ट्रांसपोर्ट नगर ये सब बन गया, सब बाहर के लोग आ करके फंस गए, पहचान में नहीं आता। मेरे उम्र का कम से कम पांच टोले में सात या आठ आदमी बचा हुआ है, सब भगवान प्यारे। तो चीज ये है कि खान पीन पर कुछ निर्भर करता है। अब खाने पीने में क्या हुआ, हम पूरा वेजिटेरियन हैं बचपन से। मैंने सर्विस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, डीएम से मैं रिटायर किया हूँ, समझा ना। तो मैं कभी भी मांस मछली मुर्गा दारू तारी पीनी सीख नहीं चाहूँ, आज भी मैं सादा ही खाना ही खाता हूँ। भगवान की दास पेंशन मिलती है, ठीक है, चलता है, बाल बच्चे पोता को पढ़ाता हूँ, बोले ही शिक्षा देता हूँ कि पोता हम लोग बहुत गरीबी से आगे बढ़े हैं, इसलिए तुम भी इतना पढ़ो कि तुम अपना नाम लिखा करो। एक बेटी होती हमारे स्कूल में पढ़ती थी, आपको पता होगा,